सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और एक बार फिर से हम पोकेमोन फायरेड की अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले बार हमने इस टीचर को हराया था, लोरेली को, इसका नाम है, इस टीचर हेडमास्टर जो भी है चश्मिश, इसे हराया था हमने। ओके, बड़ी अच्छी लग रही है यार, लेकिन देख रहे हो, ईविल टाइप की, बड़ी अच्छी ईविल बोला मैंने, बड़ी अच्छी पर ईविल मतलब बुरी टाइप की, देख रहे हो। सच में यार, मांगा में तो ये बुरे हैं तो बुरे ही कह सकते हैं। अब हम लड़ने वाले हैं नेक्स्ट एलीट फोर से। गाइस, मैं थोड़ा नर्वस हूँ इसके लिए, अब देखते हैं ये कौन है। ओके, तुमने मुझे कमेंट्स में बताया था मुझे क्या करना है। सबसे पहले गाइस, मुझे पता है कौन सा पोकेमोन यहाँ पर काम आने वाला है, तो थैंक यू सो मच तुम्हारी फिर से कमेंट्स के लिए। ओके, तो हम लड़ने वाले हैं सेकंड एलीट फोर से, मैं थोड़ा नर्वस हूँ। ओके, आई एम ब्रूनो ऑफ द एलीट फोर। ओके ओके, समझ गया। ओके, एंड पोकेमोन कैन बिकम स्ट्रॉन्गर विदाउट लिमिट। आई एम लिव्ड एंड ट्रेन्ड विद माई फाइटिंग पोकेमोन एंड दैट विल नेवर चेंज। पोकेवेंचर। ओके ओके भैया, समझ गए। पोकेवेंचर वर्सेस ब्रूनो। ओके, आज ब्रूनो से गाइस हमारी फाइट है। ये बंदा स्ट्रॉन्गर है, मतलब ये गाइस अगर तुमने मांगा पढ़ी है ना, मेरा जो अभी मांगा का एपिसोड आने वाला है, उसमें तुम्हें पता चलेगा ब्रूनो कैसा है, मतलब ब्रूनो का नेचर कैसा है। यार ब्रूनो गाइस एक ऐसा बंदा है ना जिसे ट्रेनिंग करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, मतलब वो दिन रात ट्रेनिंग करता है। ओके, तो पहले बंदे को तो हमने आसानी से हरा दिया है। ओके, तो मैं नेक्स्ट पोकेमोन का यूज़ करने वाला हूँ हिटमोन चैन के लिए। ओके, मुझे पता है गाइस कौन से पोकेमोन में से मेरा ड्रैगनाइट यहाँ पर फिर से काम आने वाला है। ओके, ड्रैगनाइट में स्विच कर लिया हमने। वैसे गाइस अगर पिजियॉड भी बोलोगे ना, तो पिजियॉड भी बहुत काम का है। ड्रैगनाइट और पिजियॉड दोनों ही यहाँ पर काम के हैं, क्योंकि विंग अटैक इन पर काफ़ी इफेक्टिव है। ओके, तो मैं पिजियॉड को गाइस स्विच करने वाला हूँ, क्योंकि आज नहीं तो कब काम आएगा। ओके, देखता हूँ। वैसे इसके पास स्टील विंग है, स्टील विंग मुझे नहीं पता कैसा काम करेगा बस। ओके, तो एरियल इज भी यार, देखते हैं एरियल इज कैसे काम आता है। ओके, सुपर इफेक्टिव है बट फिर भी आधी लाइफ गई, मतलब आधी से थोड़ी ज़्यादा। मुझे लगता है गाइस मैं ब्रूनो को भी हरा दूंगा। ब्रूनो गाइस एक ऐसा, मैंने बताया ना, एक ऐसा बंदा है जिसे ट्रेनिंग करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, मतलब वो दिन रात बस ट्रेनिंग करता रहता है, दिन रात रियली। मांगा में तुम लोग देखना नेक्स्ट एपिसोड गाइस, कोई भी मिस मत करना, बहुत एक्साइटिंग एपिसोड है। मतलब गाइस मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ, मुझे वीडियो में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुम, क्योंकि एक असली फैंस हो यार अगर गेम्स को देख रहे हो तो। तो गाइस मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हमने तीन ख़त्म कर दिए हैं, तीन सेट्स, मतलब पोकेमोन रेड ब्लू और ग्रीन के जो ओरिजिनल तीन वॉल्यूम्स हैं ना, हमने तीनों वॉल्यूम ख़त्म कर दिया है। मतलब अब एंड हो चुकी है रेड की स्टोरी, मतलब रेड गया नहीं है बट रेड की स्टोरी अब ख़त्म हो चुकी है। रेड भी रहेगा पर मेन जो स्टोरी है अभी वो ग्रीन की, सॉरी ब्लू की चलने वाली है। तो अभी मांगा में एक ब्लू नहीं यार, मैं क्या बोल रहा हूँ यार, येल्लो की। ओके गाइस, तो येल्लो की स्टोरी शुरू होने, मतलब पोकेमोन का जो पार्ट है ना, जैसे पोकेमोन का पिछला पार्ट था पोकेमोन एडवेंचर रेड, अब पोकेमोन एडवेंचर येल्लो शुरू होने वाला है। तो बेसिकली गाइस उसे देखना मत भूलना, क्योंकि एक नई स्टोरी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। तो मैंने तुम्हें पहले बता दिया यार, सबसे पहला अपडेट तुम्हें दे दिया है हमने। और गाइस हमारे चैनल की ज्वाइन बटन भी स्टार्ट हो चुकी है, तो ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि ज्वाइन कर लोगे तो यार तुम्हारे, मतलब देख लेना, तो मैंने वहाँ पर फीचर्स डाल दिए हैं, तुम ज्वाइन करोगे तो तुम्हें पता चल जाएंगे, पढ़ लेना उन्हें। ओके गाइस, तो हमने ब्रूनो को भी हरा दिया है, हमारा सेकंड एलीट फोर की बैटल हम जीत चुके हैं गाइस। माय जॉब इज डन, यू गो फेस योर नेक्स्ट चैलेंज। ओके भाई, मैंने इसे भी हरा दिया, एलीट फोर को बहुत अच्छी तरीके से हराया, मतलब मज़ा आ गया यार इसे हराने में, मज़ा एक नंबर तरीके से हराया हमने गाइस। तो गाइस नेक्स्ट एलीट फोर की तरफ मैं जाने वाला हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अब पता नहीं यार कितना मुश्किल चैलेंज है, अभी तो ये वाली एलीट फोर की बैटल आसान थी क्योंकि हमारे पास एडवांटेज वाले पोकेमोन थे। बट कमेंट्स में जाओ और मुझे बताओ हमेशा की तरह, क्योंकि तुम बताओगे ना कमेंट्स में तो मैं आसानी से हरा पाऊंगा। तो गाइस मुझे पहले से कमेंट्स में जाके बताओ मुझे नेक्स्ट एलीट फोर में कौन सा पोकेमोन यूज़ करना होगा, कितने पोकेमोन यूज़ होने वाले हैं, तो जाओ और कमेंट्स में भर दो। तो गाइस आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गाइस आई होप कि तुम्हें मज़ा आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और जाके सब्सक्राइब करो भाइयों, सब्सक्राइब कर लो हमारी जर्नी में जुड़ने के लिए। तो जाओ और सब्सक्राइब के बटन को दबाओ और बेल आइकन को ऑन कर दो, ये चीज़ तुम्हें करनी ही है। और अगर तुम्हें चाहो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। सो गाइस आज के लिए बातें बहुत हो गई, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।